नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। चतरा पुलिस ने अफीम तस्करों के विरुद्ध एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की। एसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर करीब 25 लाख रुपए के गिला अफीम के खेप के साथ अंतर्राज्यीय गिरोह के दो तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों की गिरफ्तारी डीएसपी मुख्यालय केदारनाथ राम और एसडीपीओ अविनाश कुमार के संयुक्त नेतृत्व में गठित टीम ने वशिष्ठ नगर थाना क्षेत्र के जोरी बाजार इलाके से की है। गिरफ्तार तस्करों के पास से पुलिस ने 45 किलो गीला अफीम के साथ तस्करी में प्रयुक्त मारुति स्विफ्ट डिजायर कार भी जब्त किया है। एसडीपीओ अविनाश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि हरियाणा और पंजाब की मंडियों में तस्करी के उद्देश्य से तस्करों के द्वारा खरीद कर बड़े पैमाने पर अफीम का भंडारण किया गया। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए वशिष्ठ नगर थाना पुलिस की टीम के सहयोग से दो तस्करों के घर में एक साथ छापामारी अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचना मिली थी कि वशिष्ठ नगर थाना अंतर्गत कलाल मोहल्ला में शाहरुख आलम एवं एक अन्य व्यक्ति सुनील चौधरी के घर में अफीम होने की सूचना को सत्यापित करते हुए मुख्यालय डीएसपी श्री केदारनाथ राम के नेतृत्व में छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी टीम ने बेहतर कार्रवाई करते हुए दोनों के घरों में जाके छापेमारी की। छापेमारी में लगभग 47 किलो अफीम की बरामदगी हुई। साथ में एक स्विफ्ट डिजायर है, उसमें से भी अफीम की बरामदगी हुई है। दो व्यक्ति सुनील चौधरी एवं शाहरुख आलम को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। सर, डिजायर से ये लोग क्या करते थे? स्विफ्ट डिजायर में एक तहखाना बना हुआ है और उस तहखाना में ये लोग चोरी छिपे अफीम की तस्करी कर रहे थे और ये डिजायर का यूज जो है वह अफीम की तस्करी में लगातार कर रहे थे। किसी गिरोह से भी तार जुड़ेंगे? ऐसे सच कोई गिरोह का तो नाम नहीं है, परंतु ये लोग का जो तार है वो अंतर्राज्यीय है और ये लोग जीटी रोड के होद करके पंजाब और हरियाणा में अफीम बेचने का काम करते हैं। सर, अनुमानित मूल्य क्या होगा इस अफीम का? अनुमानित मूल्य कोई इसका नहीं है, जगह जगह अलग अलग मूल्य है, परंतु आप कह सकते हैं कहीं 25,000 रुपये भी, कहीं 1,00,000 रुपये भी किलो बिकता है। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे नया भारत दर्पण समाचार।